बड़ी मुश्किल से एक बोतल पानी पिला ऊपर खत्म करा था। कुछ नहीं मुआवजा मुझे कुछ भी नहीं मिला। ये आपस में एक दूसरे की हेल्प हुई है, सरकारी हेल्प कुछ नहीं पहुंची अंदर, भी कोई सुविधा नहीं मिली सर जी अभी तक ले। पानी की बोतल दे गए हैं, वही से गुजारा चल रहा है, सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया। पानी छाती बराबर पानी अभी भी डूब सकता है, मतलब जो तैरना वही जा सकता है। अंदर इतना पानी है सर, जिसको स्विमिंग नहीं इतने पानी में नहीं जा सकता, अगर उसका पाँव फिसल गया डूब जाएगा वो। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ सर जी इस बार तो, जितने आदमी है हमारा क्या कोई आदमी का सामान नहीं बचा इस बार। सिर्फ रातों रात बच्चे निकाल के भागना पड़ा बुरारी छोटे भाई के घर, जितना सामान थे टोटल कुछ बचा ही नहीं हमारा। हमारा तो सब कुछ डूब गल, यही जो एगो देह में रह गए वही बच गया, ना खाना ना पानी ना कुछ, हमारे पास कुछ भी ना रह गए। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज हिंदी। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में, जो पिछले 6 दिनों से जलमग्न हो रखा है। एनडीआरएफ की टीम यहां पर लगी हुई है लोगों को रेस्क्यू करने में, खाने और पानी के पैकेट्स यहां पर अंदर ले जाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी कई लोग अंदर फंसे हुए हैं जिनको रेस्क्यू नहीं किया जा चुका है। 6 दिन यहां पर हो चुके हैं लगातार इसी तरीके से, पूरा का पूरा इलाका पानी से भरा हुआ है, जान माल और वाहन का काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। कुछ लोगों से जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं और आखिर क्या स्थानीय लोगों का कहना है, जो अभी जिनको रेस्क्यू करके बाहर आया गया है उनसे बात करके अंदर की पूरी स्थिति का जायजा लेते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मंजू है बाबू, अंदर से ही आए हैं आप भी? हाँ बेटा, हमार तो सब कुछ डूब गल, यही जो एगो देह में रह गए वही बच गया, हमको कुछ ना मिला, जाए तो पुल के नीचे गए, खाना अब तक वहाँ पर ही खाना हमके मिल गई बस, और कुछ नहीं। दिल्ली सरकार तमाम जो वादे कर रही थी कुछ भी नहीं, नहीं मिलल ना बाबू, ना हमार बेटा ना मरद कोई, ना हम अकेले रहता झुकी लगा के सब कुछ हमारे पानी में, लेकिन हमको कुछ नहीं मिला, हम एक ही कपड़ा में गुजारा कर रहे थे और खाना मिला ला, खाना खाते ला बाबू। मुआवजे की बात अभी तक की गई है किसी सरकारी मुलाजिम के द्वारा, नेता के द्वारा? ना, हम गरीबन का कोई ना पूछे बाबू, वो सारे हम लोग पुल के नीचे पड़ा लेला, पुल के नीचे ऐसे जा कर के सामने वहीं पर ही खाना वाला आवा था, कोई लेके खाना दे के जाता था खाएगा, न तो इनके तरफ से ना खाना ना पानी ना कुछ, बड़ी मुश्किल से हमके एक बोतल पानी पिला ऊपर खत्म करा था। कुछ नहीं मुआवजा मुझे कुछ भी नहीं मिलो। कोई समय आप लोगों को दिया गया था ऐसा कि आप लोग निकल जाइए सामान बचा लीजिए? हम लोग को कोई समय अचानक पानी आ गया भर गई, हम लोग सूता ला लिए और सोते में ही दे गए पूरा सब बस, भाग के निकल के हम लोग से उधर रास्ता से निकल के कोई आदमी बसेरा बनाया आप लोग निकाल के बाहर कर दे लेन वहाँ पर ही हम लोग ना कोई दिल्ली सरकार ना कोई पुलिस वाला ना कोई अफसर कोई ना हम लोग को पूछे बाबू, कोई कोई भगत आवा था वहाँ पुल के नीचे बैठे लेला, खाना वाना कोई दे जाता था हम लोग को मिला था, इधर से ना खाना ना पानी ना कुछ, हमारे पास कुछ भी ना रह गए। आप अंदर रहते हैं? बिल्कुल सर। ये बताइए कब से ये पानी है जो भरा हुआ है, जब से 6 दिन हो गए हैं लगभग, कोई सरकार की तरफ से सुविधा आप लोगों को मिल पाई अभी तक? अंदर तो कोई सुविधा आई नहीं, अगर बाहर से आई हो तो पता नहीं, लेकिन कुछ सिख लोग हैं जिन्होंने अंदर प्रॉपर जा के लोगों की हेल्प की है और काफ़ी देखा है, नहीं तो तकरीबन ये कि बाहर जाओ और यहाँ तक कुछ नहीं पहुँचा अंदर। कुछ लोग हैं जो तैराक हैं जिन्होंने खुद तैर के, मैं भी खुद स्विमिंग कोच हूँ, जाके लोगों की सहायता की है, लोगों को निकाला है, जो हमारा मंदिर है 150 लोग उसमें थे, जब वहाँ भी पानी आ गया तो हमने उन्हें बाहर कर दिया। ये आपस में एक दूसरे की हेल्प हुई है, सरकारी हेल्प कुछ नहीं पहुँची अंदर। और दिल्ली सरकार की तरफ से जैसे बताया जा रहा था, कुछ लोग बोल रहे थे खाने के पैकेट्स पहुँचाए जाएंगे जगह जगह, जो लोकल MLAs है वो जाते खाने के पैकेट्स को लेकर, ये सारी सुविधा क्या मिल पाई लोगों को अंदर? कुछ लोगों को मिली होंगी लेकिन आबादी बहुत ज़्यादा थी अंदर, वो रेस्क्यू वहाँ पर तक पहुँच नहीं पाया। बताया जा रहा है काफ़ी पशु भी अंदर फंस गए थे। काफ़ी पशु हैं, 10 डॉगी तो मेरे पास हैं। अच्छा। जो आगे थोड़ा छत ऊपर थी तो वो खाना वाना वहीं खा रहे हैं, मेरे पास हैं। और इतनी दिक्कत हम लोगों को नहीं, स्विमिंग कोच हैं सारे तैराक हैं जो आके ले आते हैं सामान, अभी ये भाई भी सारा सामान अपने आप लाएँ। अभी अंदर कितना पानी होगा लगभग, अगर अंदाज़ा लगाया जाए, जैसे हमने देखा नाव जा रही है यहाँ से, पैदल इंसान नहीं जा पा रहा, नाव के रास्ते जाना पड़ रहा है NDRF को भी, कितना पानी होगा अंदर? अंदर इतना पानी है सर, इतना पानी अंदर, मतलब अगर किसी व्यक्ति की हाइट कम हो तो वो डूब जाएगा, डूब जिसको स्विमिंग नहीं आती इतने पानी में नहीं जा सकता, अगर उसका पाँव फिसल गया डूब जाएगा वो। अभी भी रिस्क है अंदर थोड़ा सा, लेकिन मैनेज कर रहे हैं लोग, क्योंकि अपने मैनेज करना पड़ता है, 1978 के अंदर बाढ़ आई थी, 88 में आई है और अब आई है। जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ अंदर? बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो बाहर अंदर पानी था तो उन्हें पता ही नहीं था कि बाढ़ का कुछ कितनी देर में आएगी, 11 बजे लोगों को वहाँ पे शेल्टर में सुलाया गया, 12 बजे उन्हें भगा दिया गया। अच्छा। कि पानी आ रहा है। हाँ।
जो ऊपर थे वो तो सेफ थे, तकरीबन जो स्विमिंग कोच लोग हैं ऊपर रहते हैं। अच्छा, लोगों के घरों में जब पानी भर रहा था गाड़ी का सामान का, कितना नुकसान अंदाजन लगाया जाए, तो हर घर में क्या नुकसान हुआ इन चीजों का? सर ग्राउंड फ्लोर का तकरीबन नुकसान है, जो भी नीचे रह रहे हैं सबका नुकसान है। मैं नहीं बताऊंगा कितना, कोई मेरा कोई आकलन तो है नहीं, लेकिन ये सब नुकसान हो गया। टाइम नहीं मिला, चप्पल उठाने का टाइम नहीं मिला लोगों को। हाँ जी भाई साहब, आप भी अंदर रहते हैं? हाँ। पहले क्या नाम है आपका? संजय कुमार शाह नाम है हमारा। बताइए क्या स्थिति है अंदर इस वक्त, क्योंकि जाने नहीं दिया जा रहा है, लोगों को बाहर रेस्क्यू किया जा रहा है, 6 दिन हो गए हैं। सरकार की तरफ से सुविधा मिली कोई भी? कोई सुविधा नहीं मिली सर जी अभी तक ले, सिर्फ अभी आया है वो चाय रस दे गए हैं और पानी की बोतल दे गए हैं, वही से गुजारा चल रहा है। वो भी सिख लोग वो भी है। आम आदमी पार्टी के तमाम चैनलों पर वीडियो आ रही थी कि उनके नेता निकल रहे हैं और जमीनी स्तर पर लोगों के बीच जा रहे हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में। आपके एरिया में आए? नहीं, इधर नहीं आए, सिर्फ वहीं जहां मोरी गेट थे वहीं जो ले गए थे लोगों को, उनको वहां लेके गया है। हाँ। बाकी हम लोगों को नहीं। कितना पानी होगा लगभग? पानी छाती बराबर पानी, अभी भी डूब सकता है, मतलब जो तैरना वही जा सकता है, बिना तैरने वाला नहीं जा सकता। मतलब कितना नुकसान हुआ होगा? बहुत ज्यादा नुकसान हुआ सर जी इस बार, तो जितने आदमी है हमारा क्या कोई आदमी का सामान नहीं बचा इस बार। नेता या सरकारी मुलाजिम की तरफ से मुआवजे की कोई बात रखी गई आपके आगे? बिल्कुल कुछ भी नहीं सर। हाँ। बिल्कुल कोई बात हुई नहीं अभी तक। आपको कितना नुकसान हुआ होगा लगभग? जितना सामान थे टोटल कुछ बचा ही नहीं हमारा। अच्छा। सिर्फ रातों रात बच्चे निकाल के भागना पड़ा बुरारी छोटे भाई के घर। कोई अलर्ट आया था क्या सरकार की तरफ से कि यहाँ से निकल जाइए, जगह खाली कर दीजिए? वो तो आधे घंटे की मोहलत मिली थी। अच्छा। पहले तो सबके लिए वो टेंट लगाई गई, पंखे लगाए गए, बिजली की सुविधा दी गई, सब लगाए, और आधे घंटे के बाद ही बोला कि हटाओ, जल्दी भागो यहाँ से। अच्छा। सबको मार मार के निकालना शुरू किया, सामान निकालने का मौका कहाँ मिला जी। अच्छा, मतलब इतनी तेजी में हड़बड़ाहट में काम हुए हैं। हाँ, पूरी बात मतलब पता नहीं थी कि बाढ़ कितनी आएगी, कितनी। हाँ। किसी को पता नहीं था। पहले शुरू पहला दिन सोमवार को बताया 3 लाख पानी आएगा। हाँ। हम तो बचपन से रहे, हमें पता 3 लाख पानी कितना आएगा, इतना ही पानी आएगी, इससे ऊपर जाएगी नहीं। फिर दूसरा 3 लाख छोड़ दो, इतना आता पानी। उसके बाद अंदाजा ही कोई न्यूज ही नहीं आया कि पानी कहाँ से आ रही, नहीं आ रही, इतना पानी आया जो। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं है, लोगों को सब सुरक्षित हैं। आप अंदर से आ रहे हैं, कैसा है अंदर माहौल, क्या है अंदर? है माहौल, अभी रिस्क है, बहुत रिस्क है अभी भी। फ्लोर पे पानी, अभी ग्राउंड फ्लोर पे जो है पानी वही का वही जमा हुआ है। हाँ। और बाहर से पानी कम हुआ है बट अंदर से सेम है। दिल्ली सरकार की तरफ से कितनी मदद अंदर पहुंचाई जा रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती है लोगों को सुरक्षित करना और खाना पहुँचाना। आपको कोई दिल्ली सरकार की तरफ से सुविधा मिली अंदर? नहीं, हम निकल चुके हैं, बट मैंने 10 डॉगी बचाए हैं, 10 डॉगी को बचा के, हाँ फादर ने 10 डॉगी बचाए, मेरा पेट भी है तो वो ऊपर रखा हुआ है, तो 20 डॉगी हमारे ऊपर घर पे हैं, 10 डॉगी मैंने बचाए हैं, कुछ गाय वाय निकलवाई हैं, बट सेवा कुछ नहीं हुई, बट सिख लोग आए थे जिन्होंने कुछ खाना वाना की मदद करी है, बट सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया। जो लोग परिवार और बच्चों के साथ अभी भी अंदर फंसे हुए हैं उनको खाना किस तरीके से पहुंच रहा है, खाना और पानी की भी बहुत दिक्कत हो रही है? अब मोस्ट ऑफ द पीपल NDRF के थ्रू निकाल दिए गए हैं रेस्क्यू करके बोट के, सो बट अब कुछ जेंट्स ही हैं जो बचे हैं, बाकी खुद यहाँ के, क्योंकि 70% बंदे यहाँ पर सारे तैराक हैं इस एरिया में, सब स्विमर हैं। अच्छा। तो खुद जाके सामान ला रहे हैं अपना, जो ये भी हैं घाट के बंदे जो, और बेसिकली ग्राउंड फ्लोर पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है सारा। अलर्ट कोई आया था सरकार की तरफ से कि फटाफट खाली कर दीजिए, मतलब कितनी मोहलत मिली होगी कोई अगर ऐसा अल्टीमेटम मिला होगा? इधर टेंट लगाया था बट एकदम से पैनिक हुआ कि सबको निकाल दिया, और फिर सुबह बोला कि 4 बजे तक पानी आएगा, बट इतना उम्मीद नहीं था कि इतना पानी आ जाएगा। भाई साहब लगातार राजनीति इस चीज़ पर भी हो रही है, जो दिल्ली सरकार है वो केंद्र पर इल्जाम लगा रही है, केंद्र कह रहा है कि ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। आपको यहाँ पर कोई व्यवस्था मिली दिल्ली सरकार की तरफ से? कुछ भी नहीं मिली सर जी, सिर्फ जो पब्लिक को ले जाके मोरी गेट स्कूल में रखा गया वही, उसके अलावा कोई सुविधा किसी के पास। आप भी अंदर से ही आए हैं? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू। कितने दिन हो गए ऐसे बाहर अब यहाँ पर सामान ला कर रखे हुए? एक हफ्ता हो गया, मतलब एक दिन पहले शाम में बोले थे, कौन सा दिन था? मंडे। हाँ। कोई रैन बसेरा या कोई ऐसे लंगर व्यवस्था आप लोगों के लिए की गई दिल्ली सरकार की तरफ से? बिल्कुल नहीं, नहीं हम लोग के लिए कुछ भी नहीं है। लगातार आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया पर बोल रही है कि हमने लोगों की काफी मदद करी है, लोगों को खाना पहुंचाया जा रहा है, आप लोगों तक क्या सच्चाई अभी जमीन स्तर पर सामने आई है? आपकी देख लो सामने कुछ खाना आया, कुछ आया नहीं आया ना, और जो कुछ बांटेंगे अभी आपके सामने पता चलेगा, अभी जा रहे पानी लेके खाना लेके। लोगों की बुरी स्थिति यहाँ पर हो रखी है, जो अम्मा अभी हमारे साथ जुड़ी हुई थी वो कैसे रोकर अपना जो हाल बता रही है कि सिर्फ एक कपड़ा, एक जोड़ी कपड़ा जो उन्होंने पहना हुआ था वो उनके पास बचा हुआ है। अभी भी NDRF की टीम लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है, और आप देख सकते हैं कि खाना यहाँ पर ले जाए, खाना और पानी के पैकेट्स, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएं यहाँ पर कि खाने के पानी के पैकेट्स यहाँ से ले जाए जा रहे हैं। अभी भी अंदर कई लोग हैं जो बिना खाना और बिना पानी के अंदर फंसे हुए हैं, जिस प्रकार से पानी यहाँ पर भरा हुआ है, आम लोगों की आवाजाही
इस वक्त रोक दी गई है, क्योंकि ये यमुना खादर का इलाका पड़ता है, यमुना बाजार पड़ता है, तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर तैरना आता था, जिसकी वजह से कई लोगों ने खुद की जान तो बचाई, साथ में जो पशु और जो यहाँ पर छोटे छोटे जानवर जो गली के कुत्ते और बिल्लियाँ होते हैं उनको भी लोगों ने रेस्क्यू किया, गाय को यहाँ पर लोगों ने ही रेस्क्यू किया। और तमाम लोग जो यहाँ पर जिनसे हमने बातचीत की उन्होंने यही बताया कि दिल्ली सरकार की तरफ से लोगों तक कोई भी मदद नहीं पहुँचाई गई थी, जो तमाम वादे सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं वो कितने खोखले साबित हो चुके हैं, यहाँ पर ये चीज़ साफ नज़र आती है। जिस प्रकार से लोग यहाँ पर अंदर फंसे हुए हैं ये अपने आप में ही एक चिंता की स्थिति बन जाती है। एक हफ्ता लगभग हो गया है और ये स्थिति अभी तक देश की राजधानी की बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं सरकार को जो ये राजनीति है इल्ज़ाम लगाने की राजनीति, इससे बाहर आकर ज़मीनी स्तर पर काम करना चाहिए, ताकि जो वृद्ध अम्मा जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी उनके आंसुओं को भी इंसाफ मिल सके।